मामू, इस घर में ना बहुत कुछ अजीब हो रहा है। थोड़ा कुछ तो मैंने आपको बताया है, लेकिन मामला असल में इससे भी ज्यादा गंभीर है। वही ना, एक मुलाजिम पागल बनकर सबको पागल बना रहे। ठीक है, उसे भी मिल लेंगे, उसे भी देख लेंगे। अब आया हूं तो सबको ही देखूंगा ना मैं। मामू, मसला तो मुलाजिम का है ही नहीं, बिसात तो असल में किसी और ने बिछाई है, और इस कहानी के पीछे कोई और है, ऐसा मुझे लगता है। अगर सब अंदाजे तुमने लगा ही लिया तो फिर मुझे क्यों जहमत दी थी? अच्छा किया। सिर्फ अंदाजे हैं, ठोस सबूत नहीं है मेरे पास, इसीलिए आपको बुलाया। यहाँ सबके दो चेहरे हैं मामू, एक वो जो सबको नजर आता है और एक वो जो सबसे छुपाया जा रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि सबके पीछे खानम है। She is running the circus. शिज़ा, इस गुस्ताखी की तुमसे तवक्को नहीं थी मुझे। वो बड़ी रूह चेहरा, वो मासूमियत का शाहकार, तुम उस पे इल्जाम लगा रही हो। पिघल गए आप एक ही लम्हे में। उनकी शख्सियत ही ऐसी है, जो भी उनसे मिलता है उनको देरी मान लेता है, लेकिन आप तो एक बहुत खाक इंसान है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं कह रहा था कि तुमसे उम्र में बड़ी है। तुमने डायरेक्ट शक किया उनके ऊपर? पहले मुलाजिम को तो लाओ ना, उसे बात करते। सही, ठीक है, फिर आप मुलाजिम का इलाज कीजिएगा। वैसे तुम बहुत बदल गई। कैसे? तुम्हारा चेहरा फिर उठा है, तुम्हारे लहजे में एतमाद है, तुम मगन हो। वैसे तुम्हें अपने मामू का आइडिया कैसा लगा? बहुत अच्छा, लेकिन हर नॉवल में एक शानदार ट्विस्ट की जरूरत होती है, और मुझे वो ट्विस्ट जानना है मामू, इसलिए आपकी जरूरत है। वक्त बहुत कम रह गया है। तो तुम ये सब सिर्फ नॉवल के लिए कर रही हो? ऑफ कोर्स।